सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री शक्ति मते परमा
परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन धार समानी पावन सिमरे राम राम ही जो जन का
राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाम मात पिता बांधव सुत तारा धन जन साजन तप ध्यान योग ही त्याग वन कुटि वास राम नाम बिन नीरस भोग राम 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 श्री राम जप
Thank you.
भज कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर तब कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप करिए गम ना गम के काल राम जाप जो कर तनहार सोते जगते सब दिन याम राम राम अभिराम जपते परे की रखी
सितार राम राम सुमधुर जगतार, उसमें मन का मेल
वृद्धियास्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धियास्तिक भाव की शुभ मंगल संचार परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तैतृय उपनिषद का तीसरा अनुवाक उसका तीसरा श्लोक ऋषि वर्णन करते हैं कि अब हम विद्या के संबंध में महासंहिता कही जाती है। ये विद्या ज्ञान आचार्य से प्राप्त होता है जो उसका ज्ञाता है। आचार्य विद्या दाता पूर्व रूप है। पूर्व से हो रवि उदय प्रकाश आता है जहां से पूर्व से हो रवि उदय लिए सुनहला रूप उदित हुए रघुपति तथा जिस प्रकार रघुपति रघुनाथ जी का इस लोक में आगमन हुआ सूर्य समान सूर्य का कार्य अंधकार को दूर करना। अंधकार में क्या होता है? ठोकरें लगती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु जब सूर्य उदय हो आता है सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। साधक को कार्य करने बहुत सुगम हो जाते हैं। बस यही अगर जीवन में गुरु आचार्य का आगमन हो जावे तो अंधकार दूर हो जावेगा। पथ प्रदर्शक वह कहा परमारथ की खान, आचार्य गुरु पथ प्रदर्शक मार्ग दिखाने वाला, इस ओर चलो इस ओर बचो।
या गुरु समझाता है। उपनिषदकार कहते हैं, ऋषिवर कहते हैं, आचार्य विद्या दाता, देने वाला, विद्या दान में दी जाती है, क्योंकि एक बार ये ज्ञान हो जावे फिर कोई नहीं छीन पाता। वह मुहम्मदन पीरियड, जब हमारे ग्रंथ जलाए जा रहे थे, तब महापुरुषों ने, गुरु ने यही कहा कि इसे, इस ज्ञान को कंठस्थ कर लो, स्मरण कर लो, ताकि जो याद होगा फिर दोबारा लिखा जाएगा, कागज जला दिए जावेंगे, परंतु तुम्हारे ज्ञान को नहीं जलाया जा सकता। नालंदा, तक्षला यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से ग्रंथों को जलाया गया, तब विद्या का वह दाता है आचार्य और गुरु। शिष्य गुरु के अनंतर है, शिष्य को ज्ञान होगा तो अपने गुरु से ही होगा। जिस प्रकार हमारे पथ प्रदर्शक परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज पग पग पर हमें सहारा देते हैं, विचार कीजिएगा, जब हमारी याचना होती है, प्रार्थना होती है, ये महापुरुष कहीं नहीं जाते, इनकी शक्तियां उसी प्रकार से इसी लोक में वे कार्य करती हैं। बाधा आ गई, विघ्न आ गया, दुख आ गया, कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई, याचना करते हैं, कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो गुरुदेव ने अमृतवाणी में श्री राम कृपा की प्राप्ति के सभी साधन वर्णन कर दिए। यह किसने मार्ग दिया? अपने जीवन में उत्पन्न हुए अंधकार से छुटकारा गुरु के द्वारा ही वह ज्ञान दिया जाता है, यह विद्या दी जाती है। गुरु यह पूर्व रूप है, पूर्व से सूर्य का उदय होता है, प्रकाश प्राप्त होता है, तब जिस प्रकार रघुनाथ जी ने सारी सृष्टि को ज्ञान दिया, महाराज के ग्रंथों को समझने के लिए गुरु शिष्य का मेल विद्या है। गुरु कदापि सीधे प्राप्त नहीं होते। जिस मानव पर देव आदि देव श्री राम कृपा कर देवे, उसको पूर्ण गुरु का मिलाप होता है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। पूर्ण गुरु का जीवन में प्रकाश सबके भाग्य में विधाता नहीं लिखता है। लोभी दंभी गुरु घने मठधारी अनजान, गद्दी के रद्दी हैं घने, उनमें सार ना जान, उनमें सार नहीं है। वह तो लोभी है, दंभी है, ऐसे स्वतः अपने आप को मानने वाले गुरु कोई कमी नहीं है। सच्चा गुरु
अपनी पूजा नहीं करवाता, अपने पैर धुलवा करके चरण अमृत के नाम से वह नहीं बांटता, बल्कि ग्रंथ पाठ हमारे जो वेद हैं, उपनिषद है, श्रीमद् भगवद गीता है, श्री रामायण है, जिसकी प्राप्ति देव आदि देव की कृपा से हुई है, भक्ति प्रकाश, अमृतवाणी का नित गाना राम राम मन बीच रमाना, कहां गुरुदेव ने क्या अपनी पूजा करवाई? राम नाम की महिमा, उसके गुणों को गाना, उसकी शक्तियों को जानना, मनन करना, चिंतन करना और उस राम को अपने हृदय में, अपने मन में बसा लेना। मन में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध को अगर स्थान दोगे तो ये अपने को ही दुख देने का कारण बनते हैं, क्योंकि इससे अज्ञानता उत्पन्न होती है, अभिमान उत्पन्न होता है, कौन मेरे जैसा है, और यह मानव के पतन का कारण बनता है। अपने आप को बहुत बड़ा ना मानना, नीचे झुक करके दास अनुदास, जो प्रभु श्री राम देव आदि देव के दास है, हे प्रभु उनकी सेवा तू मुझे दे दे, दास जो तुझे सदैव, अब बाबा नानक तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले क्या कहते हैं, नानक दास, अपने आप को दास कहते हैं उस परमेश्वर का। और परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज एक नहीं असंख्य पत्र, दास अनुदास, जो दास है उस परमेश्वर के, मैं तो उसका अणु बहुत ही निमन, मुझे हे प्रभु दास बना दे। ये ज्ञान विनम्रता का गुरु से ही प्राप्त होता है, क्यों? गुरु ही तो बताता है कि वह परम सूक्ष्म शक्ति सबसे महान है, उसके बराबर ही कोई नहीं है, तो उससे बड़ी वो कोई कौन क्या होगा? क्या उस परमेश्वर से अधिक विद्वान कोई हो सकता है? क्या उससे कोई बड़ा शक्तिशाली हो सकता है? वह सर्व शक्तियों का स्वामी है। यह ज्ञान गुरुदेव ने दिया, गुरु ने समझाया। यह गुरु और शिष्य का संबंध गुरु महाराज वर्णन करते हैं। यह ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी परिशिष्ट, गुरु बिन होए के ज्ञान, जब तक पूर्ण गुरु की शरण को ना ग्रहण किया जावे, अपने आप को समर्पित ना किया जावे, तो यह ज्ञान भी नहीं होता। क्यों? ज्ञान की होए बेरागो बिन, इन विषयों से वैराग, जब तक गुरु ज्ञान ना देवे नहीं हो पाता। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह गुरु की महिमा मैं ही अकेला नहीं गाता, गाव ही इसको गाने वाले वेद पुराण, वेदों में गुरु की महिमा का वर्णन है, पुराणों में गुरु की महिमा का वर्णन है। क्या कहते हैं? अगर तुम सुख को चाहते हैं, गुरु समझाता है, इन
संसारिक पदार्थों में सुख नहीं है, ना धन दौलत में है, ना सगे संबंधियों में है। अगर तुम सुख को धन दौलत में ढूंढते हो तो भटकते रहोगे। सगे संबंधियों में अगर सुख को ढूंढते हो तो भी खाली हाथ ही रहोगे। सुख की लहिए अगर तुम सुखों को हरि भक्ति के बिना लेना चाहते हो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक हरि भक्ति उस परमेश्वर की शरण को ग्रहण कर ले, ये धन दौलत भी अनुकूलित हो जावेगी, ये दुख का कारण नहीं बनेगी। अन्यथा ये धन दौलत, ये महल माड़ियां, ये सगे संबंधी आध सुख देंगे, आधा सुख और आधा दुख देंगे। जब तो ये प्राप्त हो रही होती है, मानव सुख की अनुभूति करता है, जब ये छिन जावे तब इससे बढ़कर दुख और क्या होगा। अगर हरि भक्ति, नाम उपासना, ये साधक नित नियम से करता रहे, कारक सब अनुकूल, अब पुत्र भी आज्ञाकारी होगा, भाई भरत जैसा होगा, लक्ष्मण जैसा होगा, नारी माता सीता जैसी होंगी। यह अनुकूलता, हरि भक्ति से ही संभव हो पाती है और इसमें सुख है। हरि भक्ति ना की जावे, नाम जाप ना किया जावे, कितना भी माया के पीछे दौड़ जाओ, जब ये आती है तो भरपूर आती है, बाढ़ की तरह आती है। जब जाती है तब साधक मानव, उसके दुख की कोई सीमा नहीं रहती। स्थाई सुख और संबंध, नाम जाप और उसकी कृपा से ही संभव है। गुरु महाराज लिखते हैं, राम कृपा कही सुख देनी। सुख चाहते हो ना, अनुकूलता चाहते हो ना, राम कृपा मांगू मैं, राम कृपा दिन रात। ये श्री राम कृपा की विशेषता क्या है? ताप तपश आंच, पाप, जो कोई अनुचित कर्म हो गया, पातक नरक देने वाला कर्म, ताप पाप पातक हर लेनी, कारक सब अनुकूल कैसे होंगे? अगर तेरे से कोई स्वयं अवज्ञा हो गई है, तेरे ताप तेरे पाप तेरे पातक इसका हरण कर लेवेगी श्री राम कृपा, फिर दोबारा तुझे ये सब दुख ना देखने पड़े। दुखों का कारण तेरे अपने दोष हैं, दुख स्वयं नहीं आता, तुम्हारा कृत कर्म दुखों को निमंत्रित करता है, अथवा तुम्हारे शुभ कर्म तुम्हारे पुण्य कर्म ये सुखों को आमंत्रित करता है।
अब वृत्ति जिसके कारण दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तकलीफ आती है, वह दोष जिनको त्याग देना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो स्वभाव है ना कर्म करने का, उसको बदल देना कोई सुगम नहीं होता। परंतु नाम का जाप और कृपा, राम दया, उसकी कृपा मांगी, राम ने तेरे ऊपर दया कर दी, राम दया सब दोष नसावे, तेरे भीतर जो दोष है अनुचित कर्म करने के, राम की दया वह सभी दोषों को दूर कर देगी। परंतु केवल तेरे मांगने पर ही तो वह प्राप्त नहीं होगी, देवे राम तभी जन पावे, बस वह द्रवीभूत हो जावे, वह उसकी अनुकंपा हो जावे, तब काक विशुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन ना जाही कलेशा। जो क्लेश है ना, जो अपने मन को अशांत करते हैं, जो दुख कष्ट, वह सभी हरि भजन के बिना समाप्त नहीं होने वाले। ये सारा ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। तो यह तीसरा श्लोक। अब विद्या के संबंध में महासंहिता कही जाती है, आचार्य विद्यादाता पूर्व रूप है, शिष्य गुरु के अनंतर है, गुरु शिष्य का मेल विद्या है, ग्रंथ पाठ गुरु शिष्य के मेल का कारण है, गुरु का मिलाप हुआ तब साधक को ज्ञान दिया कि हिंदू मां की गोद में जन्म लिया, अगर गीता रामायण का पाठ नहीं किया तो यह जीवन ही निरर्थक तेरा चला गया। तो यह जो ग्रंथ पाठ है गुरु शिष्य के मेल का कारण है, अगर पूर्ण गुरु का मिलाप नहीं हुआ तो मानव ग्रंथों का पाठ कर ही नहीं सकता। ये ज्ञान साधारण नहीं है, अंधकार से बाहर करने वाला है, प्रकाश में जीवन यह प्रकाशित करने वाला है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज धनतेरस है, हे देव हम सब आपकी चरण शरण में है, आपका मंगलमय हाथ हम सबके शीश पर स्थापित रहे, ये धनतेरस सबके लिए मंगलकारी हो, सबके भंडार भरने वाले हो, आपकी कृपा हो, दया हो, मेहर हो। आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शक्ति मते परमात्मनि श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मनि श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मनि श्री रामाय नमः। परमात्मनि श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मनि।
शक्ति